कल दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल जी, दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कल दोपहर में दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। जी हाँ, कल दोपहर दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें दिल्ली चुनाव पर हो सकती है बातचीत, तो कल दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहेंगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल दिल्ली दौरा है और दोपहर में दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात, बता दें आपको दिल्ली चुनाव पर हो सकती है बातचीत। तो दिल्ली चुनाव को लेकर फिलहाल आपको बता दें ये बातचीत होनी संभव मानी जा रही है। कल दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहेंगे, तो दोपहर में दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। तो केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात, इस वक्त की ये बेहद बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा, दिल्ली चुनाव पर हो सकती है बातचीत। तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा, दिल्ली का दौरा रहने वाला है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। कल दोपहर में दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात, तो दिल्ली चुनाव पर हो सकती है बातचीत, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली चुनाव पर बातचीत होगी, कल दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहेंगे, बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, कल दोपहर में दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, तो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। तो दिल्ली चुनाव पर बातचीत हो सकती है, बेहद महत्वपूर्ण दौरा दिल्ली का रहने वाला है सीएम मनोहर लाल का। कल दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। और स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, दिल्ली दौरा रहेगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, कल कितने बजे दिल्ली आगमन होने का कार्यक्रम है और क्या कुछ रहेगा उनका कार्यक्रम? देखिए, बताना चाहेंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कल दिल्ली दौरे पर आने वाले हैं। लगभग 1:30 बजे के आसपास हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर पहुंचेंगे और नाइट स्टे जो है वो दिल्ली में ही हरियाणा के मुख्यमंत्री का रहने वाला है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री रेवाड़ी में एक कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे और उसके बाद जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री सीधे दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में कुछ कार्यक्रम हरियाणा के मुख्यमंत्री के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के हो सकते हैं, जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से दिल्ली चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में हरियाणा किस तरीके से भूमिका निभा सकता है, इसको लेकर भी जो है कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रियों के साथ में जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री रणनीति बनाते हुए दिख सकते हैं। बिल्कुल स्पर्श, हालांकि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है, तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल आ रहे हैं और जिम्मेदारियां जो है हरियाणा के भी कई बीजेपी नेताओं को मिल सकती है इन चुनावों में। देखिए बिल्कुल, हरियाणा के कई नेताओं को जो है जिम्मेदारी मिल सकती है। इससे पहले भी हरियाणा के नेताओं की जिम्मेदारी दिल्ली चुनाव को लेकर लगाई गई है और आने वाले समय में किस तरीके से और ज्यादा जिम्मेदारी जो हरियाणा निभा सकता है, इसको लेकर चर्चाएं पूरी तरीके से की जा सकती हैं। इसके पीछे कारण इस तरीके से है कि जिस तरीके से हरियाणा में एक बार फिर से सरकार बनाने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहाँ पर हुआ है, तो हरियाणा को एक तरीके से मिसाल के तौर पर पेश जो है यहाँ पर दिल्ली का देखा जा सकता है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनाव समिति का कल गठन किया, उस चुनाव समिति में जो रणनीतिकार है वो डॉक्टर अनिल जैन को बनाया था और अनिल जैन हरियाणा की प्रभारी भी है। ऐसे में हरियाणा की भूमिका काफी अहम हो जाती है दिल्ली चुनाव में, क्योंकि सटा हुआ प्रदेश है, काफी असर जो है यहाँ पर होता है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली आते हुए नजर आ रहे और कई केंद्रीय मंत्रियों समेत दिल्ली की चुनाव रणनीति को लेकर चर्चा यहाँ पर होती नजर आएगी। बिल्कुल, बने रहिए स्पर्श आप हमारे साथ। तो बता दें आपको कल दोपहर में दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री।